अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनेद और आज का ये वीडियो सेशन है नानचंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मैं यहां पे आया हूं, सब स्टूडेंट्स को इसका ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले आप लोगों के साथ ड्रोन फोटेजेस यहां की शेयर करता हूं, आप देखें कि यूनिवर्सिटी किस तरह की है। 2023 में बहुत से स्टूडेंट्स थे जो ये चाह रहे थे कि सर हमने नानचंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में आना है, तो आप लोगों को आज इसका कम्प्लीट टूर दूंगा। आपको दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटी किस तरह की है, हॉस्टल्स किस तरह के हैं, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, टोटल फ़ी कितनी होगी, HSK की क्या पॉलिसी है यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से बताता हूँ। नानचंग मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है नानचंग सिटी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे MBBS के लिए भी आते हैं, मास्टर्स और PhD दोनों के लिए आते हैं। आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ, सबसे पहले आप ड्रोन फोटेजेस देखें, देन उसके बाद आपको टर्न वाइज लेके चलूँगा लाइब्रेरी, इंटरनेशनल डॉर्मेट्रीज, मुस्लिम कैंटीन और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं लाइक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाकी सारी चीज़ें दिखाऊँगा। फर्स्ट ईयर की जो टोटल कॉस्ट है इस टाइम पे जो फॉल कर रही है वो 12.5 लाख तक है पहले साल की आपकी टोटल फ़ी। सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड जो कंप्लीट आपकी फ़ी होगी वो कॉस्ट करेगी 10 लाख तक, 10-10.5 लाख तक सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड कंप्लीट फ़ी होगी। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स सब यूनिवर्सिटीज़ के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सबसे पहले आपने एडमिशन नोटिस के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, पासपोर्ट स्कैन, आपका मैट्रिक और FSC, आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1000 RMB होती है। जब आप एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करते हैं उसके बाद जब आपको एडमिशन नोटिस दूंगा देन आपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके देने होते हैं, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, अपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, फाइनेंशियल स्पॉन्सर फॉर्म, जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, वो सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करके देनी होती हैं। एज़ पर योर इन्फॉर्मेशन सैम्पल्स मैं सब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ और उसके साथ आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना होता है। ये 3000 RMB आपने पाकिस्तान में रहते हुए ड्यूरिंग योर कम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन पे करना होता है। उसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाता है, यहाँ से वीज़ा इशू होने के बाद आप एम्बेसी जाते हैं, वीज़ा लग जाता है, इधर आके आपने टोटल फ़ी अपॉन अराइवल पे करनी होती है। आपकी ट्यूशन फ़ी, एडमिशन चार्जेस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपने इधर आके पे करनी होती हैं। फ़ी के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि पहले साल की जो टोटल कॉस्ट है यहाँ पे वो आपकी 12.5 लाख, सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड जो कम्प्लीट कॉस्ट है वो इस टाइम पर 10-10.5 से 10.5 लाख के दरमियान है इस टाइम पर करंट रेट के अकॉर्डिंग। यह है यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे वैसे तो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स हैं, प्ले एरिया हैं बहुत ज़्यादा, ये सामने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और इंडोर स्टेडियम सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बट मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग को एक शॉर्ट वीडियो में कवर अप करना बहुत मुश्किल है। ये फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है। बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर यूनिवर्सिटी में जिमनेजियम है, यहाँ पर जिम वगैरह की फैसिलिटी है। सब यूनिवर्सिटीज़ में होती है ग्राउंड, स्पोर्ट्स के हवाले से सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि यहीं लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एथलेटिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये फुटबॉल एरिया है, सामने बास्केटबॉल है, इस साइड पे आपको स्विमिंग पूल और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स एरिया है। अब हम चलते हैं आपको मुस्लिम कैंटीन की तरफ लेके चलता हूँ।
ये है नानचंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुस्लिम कैंटीन। यहाँ पे ये सब स्टूडेंट्स के लिए खाने पीने के लिए ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। खाने पीने की चीज़ों में मोस्टली यहाँ पे जो मुस्लिम कैंटीन्स होती हैं उनमें राइस होते हैं, नूडल्स होते हैं, डम्पलिंग्स होती हैं, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, पराठा, ऑमलेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये मुस्लिम कैंटीन है, बहुत बड़ी है ये। इसके दो पोर्शन है, एक ये है और एक साइड पे एक और भी सिटिंग एरिया है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। फूड पॉइंट के हवाले से हर एक चीज़ अवेलेबल होती है और डॉर्मेट्रीज में किचन वगैरह भी हैं। अगर आप खुद कुकिंग करना चाहते हैं तो नानचंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो डॉर्मेट्रीज हैं वहाँ पे किचन वगैरह भी हैं। अगर आप खुद कुकिंग नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है कि यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे खाना खाएं। मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए हलाल फूड यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। नानचंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में 7 मुस्लिम कैंटीन्स हैं, जिसमें से ये मैंने आपको एक विजिट कराई है ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस तरह की 7 कैंटीन्स हैं यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, तो हलाल फूड का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है।